Hi friend, I'm Joy. Welcome to my channel BJ Graphics. After a long time, I came back here. Yeah friend, today's topic is how can make modern and unique business card design. Yeah friend, Illustrator में कैसे मॉडर्न और यूनिक डिज़ाइन बनाएंगे, और आपको मैं इससे पहले भी बहुत सारा वीडियोस दे चुका हूँ जिससे आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, और फ्रेंड आप उससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा डेफिनेटली, और आज का टॉपिक से भी आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मेरा हौसला बढ़ाए जिससे मुझे एक जुनून मिलेगा आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, मैं आपकी अकॉर्डिंग टू आपका जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी लेके और भी वीडियोस बनाते रहूँगा और भी डिज़ाइन बनाते रहूँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। और मैं धीरे धीरे इसमें आफ्टर इफेक्ट का भी वीडियोस डालूंगा, कोरल ड्रॉ का, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, सब का, इसके साथ आपको वेब डिजाइन का भी मैं कुछ वीडियोस डालता रहूंगा। और जैसे मेरा मकसद है आप लोग कैसे एक चैनल में सब कुछ सीख के जाए, दूसरे चैनल को जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो फ्रेंड मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, तो पहले हम चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप मेरे स्क्रीन देख सकते हैं, उस डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड मेरा जो इलस्ट्रेटर फाइल है वो ओपन हो चुका है। होने के बाद आप इधर देख सकते हैं क्रिएट न्यू को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इधर साइज, उसका हाइट और विड्थ इसको सेट करना होगा। आप इधर फ्रेंड देख सकते हैं, इधर कुछ यूनिट हैं, ये यूनिट आपके हिसाब से इसमें पुट कीजिए। मेरे हिसाब से मैं इंचेस में लेने से मुझे बहुत ईजी होता है। आप इसको पिक्सल में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो इसका जो विजिटिंग कार्ड का जो बेसिक साइज़ होता है 3.5 में 2 इंचेस होता है। तो मैं इस बेसिक साइज़ लेने के बाद अभी मैं इधर क्रिएट में जाके क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास एक शेप आ गया है, इस शेप के ऊपर हमको डिज़ाइन बनाना है, और उसके लिए हमको पहले रेक्टेंगल में जाना होगा। रेक्टेंगल टूल को हमको इसके ऊपर ड्रैग करना होगा, ड्रैग करके हम इसको एक कलर फिल करेंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा ग्रे कलर फिल करता हूँ। फिर फिल होने के बाद मैं इसको लेयर में जाऊँगा और इसको लॉक कर दूँगा। उससे पहले इसको थोड़ा आप इसको प्रॉपरली कर दीजिए, क्योंकि लाइन टू लाइन होना चाहिए, नहीं तो आपको गैप दिखेगा। तो हाँ, ये अभी मैं इसको लॉक किया और इसके ऊपर और एक बार रेक्टेंगल ला के ड्रैग करके और एक शेप बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैं दोबारा एक लाया हूँ, और इसका जो कॉर्नर में देख रहे हैं आप, इसकी कॉर्नर में छोटा छोटा वाइट डॉट्स हैं, इसकी कॉर्नर में डॉट्स जैसा है। इसके ऊपर आप माउस पॉइंट लेके आप इसको अंदर खींचेंगे तो ये चैम्पर, इसका जो कॉर्नर चैम्परिंग हो जाएगा। तो चैम्पर होने के बाद आप इसको थोड़ा हाइट ऊपर ले लीजिए, लेने के बाद इसको छोटा कर दीजिए, एकदम लाइन टू लाइन मैंने बोला था करने के लिए। अभी होगा, इसको हम दूसरा एक कलर भरते हैं। दूसरा कलर भरने के बाद हम इसको, अभी हमने दूसरा कलर भर के एकदम हमने परफेक्ट सेटअप भी कर दिया है। दूसरा कलर भरने के बाद हम इसको एकदम बराबर लाइन टू लाइन सेट कर रहे हैं। हाँ, ये अभी एकदम रेडी हैं। आपको इसको ज़रूरत भी नहीं है, आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, पर मैं आपको एकदम परफेक्ट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइन टू लाइन इसको ड्रा करके एकदम करेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम इसको लाइन टू लाइन करने के बाद फिर लेयर को जाएंगे। लेयर को जाने के बाद हम इसका जो नीचे का वाइट पार्ट है उसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम दोबारा जाएंगे रेक्टेंगल टूल को, और उधर और एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको भी हम नीचे का शेप दे देंगे। इससे पहले हम इसको दूसरा कलर में भरते हैं। दूसरा कलर फिल होने के बाद हम इसका थोड़ा ओपेसिटी कम करते हैं। ओपेसिटी कम करने के बाद इसको, इसका जो कॉर्नर है हमको नीचे का कॉर्नर को थोड़ा चैम्परिंग करना है, इसलिए दोनों डॉट को हम सिलेक्ट करके, आप एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हो गया, हम इसको थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो दोनों साइड से आप देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है। तो एकदम परफेक्ट हम इसका जो ऑपोसिटी है इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट लग रहा है।
तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अभी छोटा होने के बाद एकदम परफेक्ट लग रहा है। अभी आपको और एक बार जाके रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके दूसरा कलर भर के सेम प्रोसेस में इसका जो टॉप का जो पार्ट है वो दोनों दोनों डॉट को पकड़ के आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इसका जो ऊपर का पार्ट है कंट्रोल पकड़ के इसको नीचे ले लीजिए, और इसका जो ऊपर का पार्ट है अभी आपको चैम्परिंग हो रहा है, यानी कि इसका जो हाफ कनर, इसका कनर हाफ हो रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। हम अभी अभी जाएंगे अलाइनमेंट में, अलाइन टूल को जाके इसको एकदम परफेक्ट सेंटर बनाएंगे, तो एकदम परफेक्ट बराबर सेंटर में आ गया है। अभी हमारा पहला डिजाइन एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके डिजाइन के बाद हम इसके ऊपर लोगो बैठाना है। तो आपके पास अगर कोई लोगो है आप वो लोगो यूज कर सकते हैं। इधर मेरे पास लोगो नहीं है, मैं इसके लिए डेमो के लिए कुछ बना देता हूँ, और आपका जो लोगो होगा आप इधर बैठा दीजिए, तो आप देख सकते हैं मैं कैसा एक डेमो के लिए लोगो बना रहा हूँ। ये होने के बाद हम इसको एक डुप्लीकेट बना देंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद अभी इसका जो नाम है इसको ग्रुप कर देंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के हम इसको सेंटर कर लेंगे। नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट एंड वेरी प्रोफेशनल। हाँ, ये लोगो होने के बाद आपको लोगो का नाम लिखना होगा, जो लोगो आपके पास है उसका नाम लिखना पड़ेगा, या आपके पास अगर ऐसा टाइप का कुछ लोगो हैं नाम के साथ लोगो आता है आप वो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक चीज़ इधर बोलना चाहता हूँ कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो फॉन्ट्स होते हैं ना वो डिज़ाइन में बहुत, उसका एक स्ट्रैटेजी होता है, उसको आप अगर सही फॉन्ट यूज कर लोगे ना डिज़ाइन एकदम एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, आपका देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा वो डिजाइन। एंड नाउ एकदम हमारा जो पहला डिज़ाइन है एकदम रेडी हो गया है, और आपको नीचे में आप वो कॉन्सेप्ट के साथ आप कुछ टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहला डिज़ाइन होने के बाद हम आते हैं दूसरे डिज़ाइन बनाने के लिए। एकदम कंप्लीट हो गया हमारा पहला डिज़ाइन, तो उसके लिए हमको एक दूसरा आर्ट बोर्ड क्रिएट करना होगा। आर्ट बोर्ड क्या है आप इधर देख सकते हो, इलस्ट्रेटर जो यूज कर रहे हैं उनको आर्ट बोर्ड के बारे में मालूम होगा। ये आपका सेकेंड सेकेंड आर्ट बोर्ड क्रिएट हो चुका है। ये होने के बाद सेकेंड डिज़ाइन, ये तो फ्रंट का होगा, या बैक डिज़ाइन बनाने के लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हाँ फ्रेंड, हम इसको थोड़ा अनग्रुप करके मॉडिफाई करते हैं, तो एकदम बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे स्किन के ऊपर मैं कैसे कैसे अब इसको मैं जैसे बनाते जा रहा हूँ आपको उसके बारे में बताते जा रहा हूँ, आप इसको एकदम बराबर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इधर होने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा करके, ए पार्ट को थोड़ा छोटा करके इसको ट्रांसफर में जाके रोटेट में जाते हैं, और इसको 90 डिग्री सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अभी एकदम हमारा परफेक्ट में आ गए। इसके बाद इसको हम जाके सेंटर करते हैं। हाँ बराबर, ये भी हो गया। अभी हमको सेकेंड डिज़ाइन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा।
हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मेन काम होता है, उसमें हम जो फ़ोन नंबर डालते हैं, लोकेशन डालते हैं और मेल आईडी डालते हैं, उसके लिए हमको आइकन चाहिए। तो वो आइकन हम कहाँ से लाते हैं, चलिए देखते हैं आइकन कहाँ से ला के इधर पुट करना होता है। तो आइकन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम जाने के बाद आप फॉन्ट ऑस्ट्रियम चैट शीट आप सर्च कीजिए। आप इसको सर्च करने के बाद अभी आपका चैट शीट ओपन हो गया। इधर आने के बाद आपको जो फ़ोन का है इसको कॉपी करके लेना है। कॉपी करके फिर आपको इलस्ट्रेटर में जाना है, इधर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको आपका जो फॉन्ट है वो भी फॉन्ट ऑस्ट्रियम होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने कैसे इसको रिप्लेस किया इधर आके। फिर आपको लोकेशन को कॉपी करना है, लोकेशन को कॉपी करके इधर आके पेस्ट करना होगा। अभी हम एक बार फॉन्ट ऑस्ट्रियम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो इसके बाद हम एक एक करके सब लेके आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी फ़िलहाल हमारा जो साइज़ हमको चाहिए वो साइज़ में हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद अभी हम थोड़ा अलाइंसमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। जितना अलाइंसमेंट आप जितना डिजाइन के ऊपर भी आप फोकस करते हो, उतना अलाइंसमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हो। सो फ्रेंड, अभी फ़िलहाल आपका इधर नाम लिख लीजिए, योर नेम। मैं सिर्फ डेमो के लिए दे रहा हूँ, आपकी जो नाम ओरिजिनल होगा आप उसको पुट कीजिए, और आपका डेजिग्नेशन भी आप इधर डाल दीजिए। अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक से हमारा डिजाइन एकदम रेडी हो चुका है। हम अभी लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो वेबसाइट है इसका लिंक हम इधर एक एक करके भर देंगे। हाँ फ्रेंड, अभी आपका डिज़ाइन एकदम रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं एकदम बराबर। आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं।